सो गुड इवनिंग क्लास सो इट इज सेवन पी एम आज का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक का चैप्टर टू चल रहा है पिछले क्लासेस में हमने देखे थे फैक्टराइजेशन फार्मूला हमने देखे थे शायद फैक्टराइजेशन फार्मूला पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक क्वेश्चन हम आज uh, एक और करेंगे फैक्टराइजेशन फार्मूला पे और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे जो आपके चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल ये पर हम प्रोसीड करेंगे तब तक आप लोग अपना अटेंडेंस बना दीजिए अभी फिलहाल दो ही लोग हैं हम क्लास आ... सो पहले हम आपको यस आ... yes. सो so, सबसे पहले हम चैप्टर का विजिट कर लेते कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं और कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस किए हैं और आज कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रिगोनोमेट्रिक सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल तो ये सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी ये वाला सेकेंडिस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो एलाइड एंगल में क्या आता था साइन नाइनटी इज पार्ट ऑफ मल्टीपल एंगल तो हमने लास्ट uh, के लास्ट सेकेंड लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल एंगल के बारे में देखा था जिसमें डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल डबल एंगल मीन साइन टू थीटा

सम को किस फॉर्म में लिखते थे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे तो मैं स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले अभी तक बढ़े हैं क्योंकि आप लोग अगर क्वेश्चंस नहीं किए होंगे तो संभवतः फॉर्मूले आपको अभी तक याद नहीं होंगे। जस्ट जस्टा मिनट यस तो सबसे पहले यहाँ पे आप थ्योरम वन यहाँ पे जो देख रहे हैं सबसे आपका ये थ्योरम वन है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी ये सबसे पहले हमने पढ़ा फिर इसी के तर्ज पे छह थ्योरम आते थे कॉस ए प्लस बी देन कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी देन थ्योरम नंबर थ्री साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इसके बाद फिर आ, फिर उसके बाद टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी था और टेन ए माइनस बी तो टेन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू टेन टेन ए, ए इंटू टेन बी इसी तरह टेन ए माइनस बी में थोड़ा सा यहाँ पे साइन का चेंज है ऊपर में जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जा रहा है टेन ए माइनस बी में और नीचे में क्या था टेन ए प्लस बी के का कंपेरिजन कर रहा हूं मैं तो ऊपर में न्यूमरेटर में टेन ए माइनस टेन बी हो जा रहा है एंड डिनोमिनेटर में वन प्लस टेन ए इंटू टेन भी कुछ ऐसा हो जा रहा है तो ये हमने सम यस yes. सो so, अगर बीच में मेरी वॉइस ब्रेक करे या कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो तो आप माइक ऑन करके मुझे इन्फॉर्म कर देना ओके okay? क्योंकि मैं आपका चैट बॉक्स कंटिन्यूअसली नहीं देख पा रहा हूं ओके okay? और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप कर रहे करके आप अपना से पूछ सकते हो सो so, ये थ्योरम थ्योरम थे। हाँ तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये हमने पढ़ा था देन इसके बाद हमने क्या देखे थे वो हम देखते हैं इसके बाद एलाइड एंगल का है एंगल का ये मैं आज इसीलिए बता रहा हूँ इस चैप्टर के आखिरी पराप पे हैं तो आ, और अभी हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं या क्वेश्चन उसमें ये सारे फॉर्मुलेज आपको प्रयोग में आएंगे तो यहाँ पे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल हमने देखा था तो एलाइड एंगल क्या कहते हैं कि इफ द सम और डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज आइदर जीरो और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू देन दिस एंगल्स आर सेट टू बी एलाइड एंगल अगर कोई भी एंगल क्या होते हैं जीरो डिग्री या नाइन्टी डिग्री टू सेवेंटी एंड थ्री सिक्सटी मीन्स क्वाड्रेंट वाले लाइन पे रहते हैं डेट इज उसके एडिशन या डिफरेंस में होते हैं जैसे साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा Sin theta, ये हमने काफी में इस चैप्टर में भी देखे थे और इससे पहले वाले चैप्टर्स तो वो हमने देखा था तो फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल इसके बाद हमने क्या देखे थे uh, इसके बाद हमने मल्टीपल uh, एंगल्स के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था तो मल्टीपल्स uh, एंगल उसे कहते हैं कि जब कोई भी एंगल्स में में कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या कहलाती है मल्टीपल एंगल सपोज थीटा को अगर आपने टू से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा टू थीटा डेट इज कॉल्ड डबल एंगल एंड इफ यू मल्टीप्लाई थीटा बाय थ्री देन इट इज कॉल्ड एस ट्रिपल एंगल तो हमने डबल एंगल में साइन टू थीटा कॉस टू थीटा एंड टेन टू थीटा पढ़े थे डबल एंगल में एंड ट्रिपल एंगल में ये यहाँ पे डबल एंगल्स के जितने सारे फॉर्मूलेज हैं

Then it will become square square theta upon one plus ten square theta. upon और यहाँ पे तीसरा रिजल्ट आपका डबल एंगल का theta, so theta is equal to two tan theta upon one minus ten square theta. So ये डबल एंगल का था इसके बाद हमने ट्रिपल एंगल के बारे में देखा था ट्रिपल एंगल सो दीज आर द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल एंगल साइन थ्री एंड थ्री टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर टीटा ये आपने ट्रिपल आप, एंगल्स में पढ़े थे फिर इसके बाद हमने आ, इसके बाद लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला का जिसमें आपने पढ़े थे यहां पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं यस सो फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला क्या होता था सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हमने प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस के फॉर्म में लिखा जिसे क्या कहा जाता है फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला आप अल्जेब्रा में भी फैक्टोराइज करते होंगे जैसे 6x को क्या लिखते हैं 2x एक्स प्लस फोर ओके तो ये फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला ये ट्रिगोनोमेट्री का है तो इस इसके कुछ रिजल्ट्स थे चार हाँ चार यहाँ पे रिजल्ट्स हमने पढ़े थे जिसमें मैंने सबसे पहला वाला साइड डिराइव करके आपको बताया भी था सो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू सेकेंड इज साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू थर्ड वन इज कॉस सी प्लस डी एंड फोर्थ वन इज कॉस सी माइनस कॉस डी अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्या करिएगा एक पेज पे चारों फॉर्मूला को लिख लीजिएगा एंड दो चार बार अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक सिमेट्रिक मीन एक आपको पैटर्न आपको नजर आएगा ओके जैसे यहाँ साइन सी प्लस साइन डी सबसे पहले वाले में है तो पहले में क्या है साइन साइन है एंड देन कॉस है इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी में क्या है कॉस है साइन है ओके तो ऐसे ही सारे जितने भी फार्मूलेज अभी तक हमने देखे हैं तो सभी में एक क्या है पैटर्न है तो बट उसको याद करने के लिए या तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या नहीं तो आपको पेज पे लिख करके आ, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा ताकि आप उसे फॉर्मूलेस को याद कर सके बट क्वेश्चंस सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूलेज uh, आपको याद भी रहेंगे तब भी uh, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बनाते वक्त आप वो फार्मूले को यूज कर सके सो so, uh, ये हमने फैक्टराइजेशन फार्मूले के बारे में अभी देखा था देन ये भी टूस uh, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा आज का टॉपिक वो हम देखते हैं है. ये अभी हम पहले देखेंगे. फिर क्वेश्चंस करेंगे. टाइम के अकॉर्डिंग आज का क्लास आपका आठ बजे सिर्फ वन आवर का होगा एट पी में आपका क्लास ओवर हो जाएगा अगले क्लास में सो so ये फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला लास्ट क्लास में आपने देखा था सम और डिफरेंस को हमने प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो यहां पे फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला का यूज होता है तो फैक्टोराइजेशन फॉर्मूले में ये चार रिजल्ट्स थे एंड तो इस पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे अगर सी इज इक्वल टू फिफ्टी एंड डी इज इक्वल टू सेवेंटी देन यू है साइन पाए बाय टेन का वैल्यू हमने साइन पाए बाय टेन इज इक्वल टू एटीन डिग्री सो एटीन डिग्री का क्या वैल्यू होता है ये हमने लास्ट क्लास में हमने फाइंड करके बताया था तो आ, ये, आ, ये साइन एटीन का ये जो आप एक दो बार देख लीजिएगा ताकि ये साइन एटीन का जो ये क्वेश्चन है ये बनाते वक्त ढेर सारे फॉर्मूलेज के यूज होते हैं तो इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट का आपको रिविजन हो जाएंगे तो लगभग इट इज सेवन टीएम नाव तो लगभग बारह मिनट हमने पिछले क्लासेस में जो इस चैप्टर्स में हमने जो पढ़ा था वो डिस्कस किया अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे चलते हैं सो द टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्रैंगल्स एक ट्रैंगल में कितने एंगल्स होते हैं तीन एंगल्स होते हैं ओके ये अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल ओके okay. तो अस सपोज ये क्या है ये एक ट्रेंगल है ये क्या है एक ट्रेंगल है ए बी एंड सी ओके ये ए है ये एंगल बी है और ये एंगल क्या है सी है तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा वाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आप चैट बॉक्स में लिखिए आपको मालूम होने चाहिए वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री वेरी गुड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हट्रेंगल इज वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री ये हमने काफी छोटी क्लास में थे सिक्स में तभी आप लोगों ने पढ़े होंगे ओके सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री स्मॉल ए बी सी नहीं लिखता हूं कैपिटल के फॉर्म में ही लिखता हूं यहाँ पे जस्ट अ मिनट सो ये क्या ये एक ट्रेंगल है दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी तो एक ट्रेंगल में आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाए मैं इसे रेडियन में लिखा ओके okay? या इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री तो ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू पाएन ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं पाए माइनस सी पाए माइनस सी ओके तो यही चीज में नेक्स्ट पेज पे भी लिखता हूं एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी तो अब हम क्या करेंगे दोनों साइड दोनों साइड एल एच एस एंड आरएचएस दोनों साइड में क्या लगा देंगे साइन लगा देंगे ओके साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी तो आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई माइनस सी आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं साइन पाई बाई पाई माइनस सी क्या होगा अगर मालूम है तो आप माइक ऑन करके प्लीज बोल सकते हैं साइन पाई माइनस सी मैं आपको हिंट देता हूं आपने ये पढ़ा होगा साइन नाइन्टी माइनस थीटा साइन नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता था कॉस थीटा इसी तरह साइन पाई माइनस थीटा ओके पाई माइनस थीटा तो ये क्या होता था साइन पाए माइनस साइन सी यस यस साइन सी वेरी गुड साइन पाई माइनस सी इज इक्वल टू इसका वैल्यू साइन सी साइन सी इज द राइट आंसर यस तो साइन पाई माइनस तो मैंने आपको बताया था कि पाई पे क्या होता है ये साइन चेंज इज साइन कॉस में चेंज नहीं होती है इट रिमेन्स एज इट इज इसी तरह यहाँ पे आप 90 डिग्री है 90 मीन्स पाई बाई टू अगर आप रेडियन में लिखोगे तो साइन यहाँ पे क्या में चेंज हो जा रहा है कॉस थीटा में चेंज हो जा रहा है सो so, यहाँ पे साइन क्या होगा साइन रिमेन्स एज इट इज साइन एंड माइनस तो ये क्या है ये पाई यहां पे है और माइनस थीटा मीन्स ये आ, कोई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा एंगल सभी आ रहा है तो यू नो डेट इन सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज पॉजिटिव तो साइन पाए माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा इसी तरह यहाँ पे क्या है साइन यहाँ पे साइन पाए माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा सिमिलरली साइन पाए माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी जैसा कि संकल्प ने बताया इट इज साइन सी तो मैं बाकी चीजों को इरेज कर रहा हूं So, uh, ये क्या हो जाएगा साइन सी एंड यहां पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी थोड़ा सा मैं फिर से यहां पे लिखता हूं ये हमारा रिजल्ट क्यों किया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी ये आप अपने नोटबुक पे भी लिख लीजिएगा ये हमारा पहला रिजल्ट है फंक्शंस ऑफ ऑफ एंगल्स अ ट्रेंगल का साइन ए प्लस टू साइन सी तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे ए प्लस बी को में रखा और सी को आर एच एस में भेज दिया ओके अब हम क्या करेंगे ऐसे ही आ, बी को आर एस में भेजेंगे देन आ, एक दूसरे इक्वेशन में सी को आर एस में भेजेंगे तो इसी तरह हमारे पास और भी दो रिजल्ट आएंगे सिमिलरली सो द सेकेंड रिजल्ट इज साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन एके एंड साइन सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन बी ओके और हमारा सबसे पहला क्या रिजल्ट था साइन ए प्लस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी जो कि मैंने पिछले वाले पेज में यहां पे लिखा तो हमारे पास यहां पे टोटल हमें तीन रिजल्ट्स आए हैं साइन ए प्लस बी साइन बी प्लस सी एंड साइन सी प्लस ए ये क्या है? ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक साइक्लिक जैसा प्रोसेस है ये आप लिख लीजिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं कि इसे कैसे याद रखने हैं इक्वल टू साइन सी साइन बी प्लस इज इक्वल टू साइन ए ये क्या है इन अ ट्रैंगल एबीसी यहां पे ये हमेशा नहीं होगा ये कौन से केस में है कि जब एबीसी क्या होगा वेयर एबीसी इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रैंगल वेयर ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल ऑफ अ ट्रेंगल ओके मीन्स एक कोई ट्रेंगल है ट्रेंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं तो ये उस तीन एंगल्स के बीच में ये रिलेशन है आप इसके अलावा आप कहीं और इस रिलेशन का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल ये सिर्फ ट्रेंगल्स के केस में ही होगा अगर इस फॉर्मूलेस पे फॉर्मूला पे बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा कि इना ट्रेंगल ए बी सी ओके इना ट्रेंगल ए बी सी प्रूफ डैट प्रूफ डैट एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम हाँ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी तो यहाँ पे मेन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या मैन मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पे ये कौन सा केस है ये एक ट्रैंगल का केस है ट्रेंगल के ये ए बी एंड सी ए बी एंड सी एंगल्स एंगल अ ट्रैंगल तो इस केस में आपको प्रूव करने हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी नहीं होगा यहाँ पे कॉस सी होगा ये बहुत ही फेमस ये means, ये जो एग्जाम्पल लिखा ये काफी आ, means, ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी सिंपली यहाँ पे लिख दिया जाता है इन ट्रगल एक्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू आपको इससे मिलते जुलते चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो और भी आ, ये जो टॉपिक है इसके कुछ चार पांच ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि काफी मीन्स आपको एग्जाम्स में मिलते रहेंगे वो आपके बुक में भी है एग्जाम्पल्स में भी है और एक्सरसाइज का भी आ, एक स्टार्टिंग का जो तीन चार क्वेश्चन है वो काफी कॉमन क्वेश्चन हैं तो आ, अभी हमने आ, ये तीन रिजल्ट के बारे में पढ़ा था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी साइन बी प्लस बी साँग ए, साँग, साँग सी इज इक्वल टू साइन ए साइन यस साइन सी गुड सो आ, एंड साइन सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन बी तो यहां पर जो ये क्या है, ये साइक्लिक चल रहा है ए बी एंड सी ए प्लस बी बी प्लस सी ये यहां पर आपको याद कुछ इस तरह रखने हैं कि ए प्लस बी साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा साइन सी साइन बी प्लस सी क्या हो जाएगा साइन ए एंड साइन सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन बी ओके ये मीन साइक्लिक कुछ इस तरह का आ, ये चल रहा है तो इसी तरह हम कॉस के कॉस का भी देख लेते हैं या नहीं तो अः हाँ एक और रिजल्ट देख लेते हैं रिजल्ट टू वो क्या था वो तीनों रिजल्ट वन था अभी हम रिजल्ट टू देख लेते हैं आप जानते हैं कि इन अ ट्रैंगल द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री सो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस सी ओके अगर हम डिवाइड दोनों तरफ दो से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ अगर दो से डिवाइड करेंगे तो कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है सो ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू पाई माइनस सी अपॉन टू ये हमने डिवाइड दोनों तरफ कर दिया अब क्या करेंगे दोनों तरफ हम साइन लगा देंगे दोनों तरफ क्या लगा देंगे साइन लगा देंगे तो एल एच एस में एल एच एस में भी साइन लगाया और आर एच एस में भी हमने साइन लगा दिया तो यहां पे क्या होगा तो uh, मैं यहां पे यहां पे लिखता हूं तो साइन ए प्लस बी बाय टू एज इट इज इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी अपॉन टू तो ये किस फॉर्म में है नेक्स्ट uh, पेज पे मैं लिखता हूं हमारा इक्वेशन था साइन आप लोग साथ, साथ में लिखते जाइएगा साइन ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी अपॉन टू तो इसका वैल्यू क्या होगा साइन पाई माइनस सी अपॉन टू इसका वैल्यू क्या होगा आप चैट बॉक्स में आंसर लिखें ये साइन पाई माइनस सी अपॉन टू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू माइनस सी बाई टू ओके तो ये क्या है साइन नाइंटी माइनस थीटा सो साइन नाइंटी माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस कॉस थीटा थीटा सो हेयर इज सी अपॉन टू सो साइन पाई बाय टू माइनस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन टू तो मैं रेज कर रहा हूं यहां पे और साइन पाई माइनस सी अपॉन टू के जगह पे हम लिख रहे हैं कॉस सी अपॉन टू कॉस सी अपॉन टू और यहाँ पे लेफ्ट में क्या होगा साइन ए प्लस बी अपॉन टू ओके तो ये हमारा एक रिजल्ट आया साइन ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस सी प्लस सी अपॉन टू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है बट पिछले वाले जो रिजल्ट्स आए थे जिसमें यहाँ पे टू नहीं था यहाँ पे टू नहीं था तो वहाँ पे यहाँ पे भी साइन था और यहाँ पे भी साइन था ओके बट यहाँ पे टू से डिवाइड है तो इधर साइन है और इधर कॉस है क्योंकि ये यहाँ पे एलाइड एंगल के वजह से साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू के वजह से यहाँ पे साइन चेंजेज इन टू कॉस तो ये आप याद रखिएगा ओके यस सो अभी तक जो uh, हमने डिस्कस किया क्या आप समझ पाए कोई क्वेरीज क्वेरी भी है आपके पास समीर आप अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं इट इज सेवन ट्वेंटी नाइन पी एम मीन आधा क्लास अभी एंड हो चुका है ओके नो डाउट ओके ओके नो प्रॉब्लम नेटवर्क का इशू हो जाता है नो प्रॉब्लम यस सो सोन ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस सी बाय टू इसी तरह इसी तरह अगर आप बी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है एक ट्रैंगल के केस में अगर पिछले बार uh, इससे पहले हमने क्या किया था सी को उस साइड भेजा था बट इस बार क्या करेंगे इस बार ए को हम आर एच एस में भेजते हैं तो बी प्लस इज इक्वल टू पाई माइनस ए दोनों तरफ क्या कर लगाएंगे दोनों तरफ अगर साइन आप लगा दोगे तो साइन बी प्लस इज इक्वल टू साइन पाई माइनस ए पाई माइनस ए यहाँ पे टू से डिवाइड करना मैं भूल गया दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दिए

c upon 2 sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2 and sin a b bc and ca c plus a upon 2 is equal to cos b upon 2 ये क्या ये हमारा दूसरा रिजल्ट है मीन्स रिजल्ट टू सो साइन ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस सी बाय टू साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू एंड साइन सी प्लस ए अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस बी बाय टू ये आप नोटबुक पे भी अपना लिख लीजिए इसी तरह जैसे अभी हमने साइन यहां पर लगाया है दोनों तरफ एल एच एस में हमने क्या किया ए प्लस बी प्लस टू पाए एक ट्रेंगल के केस में होता है और कोई भी एक एंगल्स को आपने क्या किया राइट हैंड साइड में भेजा देन हम दोनों तरफ दो से डिवाइड करके साइन लगा दिए तो हमारा ये रिजल्ट कुछ ऐसा ये तीनों रिजल्ट आया एंड सिमिलरली uh, अगर दोनों तरफ इफ वी अप्लाई कॉस इन बोथ साइड उस केस में भी तीन रिजल्ट्स आएंगे तो मैं डायरेक्ट वहां पे रिजल्ट्स में लिख देता हूं एक मैं बता भी देता हूं सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाए सो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाए माइनस सी डिवाइडिंग टू ऑन बोथ साइड सो ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू पाए पाई माइनस सी अपॉन टू ओके पाई माइनस सी अपॉन टू तो अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ इस बार हमें क्या लगाने हैं कॉस लगाने हैं कॉस हमने लगा दिया सो so, कॉस पाई माइनस पा, पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू इज इक्वल तो टू साइन सी बाय so, टू सो यहाँ पे सबसे पहला हमारा रिजल्ट आया कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन सी अपॉन टू दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट ये मीन्स यहाँ पे हमने दोनों दोनों साइड एल एच एस एंड आर एच एस में हमने कॉस लगा दिया एंगल से पहले तो इसी तरह इस बेसिस पे भी आपके पास तीन रिजल्ट आएंगे द फर्स्ट रिजल्ट इज जो कि अभी मैंने जस्ट लिखा मैं फिर से लिख रहा हूँ कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी अपॉन टू कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन ए अपॉन टू एंड कॉस सी प्लस ए अपॉन टू इज इक्वल टू साइन बी अपॉन टू ओके तो ये हमारा रिजल्ट आया तो इसी के साथ लगभग ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन ट्रगल ये कोई टफ टॉपिक भी नहीं था और लगभग इसमें इतने ही थ्योरीज हैं तो इसके बाद ये आ, तब तक आप लिख लीजिए देन हम लोग एक क्वेश्चंस कम से कम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं बाकी आप एक्सरसाइज के जो पहले तीन चार क्वेश्चन करिएगा भी लिखा हूँ सॉल्व करना अगर वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो अगले क्लासेस में आऊंगा तो आप पूछना और मैं उसे सॉल्व करके बता दूंगा और भी अगर आपको क्वेश्चंस में अगर डॉट्स आते हैं या क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप गूगल क्लासरूम में क्लास से पहले कमेंट कर दिया कीजिए तो क्लास में जब हम आएंगे तो सबसे पहले आपके डॉट्स को क्लियर करेंगे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे फिर हम टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चन सॉल्व करने काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं होप आप लोग इसे लिख लिए होंगे अपने नोटबुक पे अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्रैंगल तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट सा आ जाते हैं एक बार मैं आपका क्वेस्स पहले लिख देता हूं सो इना ट्रैंगल ए बी सी प्रूव डैट प्रूव डैट कॉट ए इंटू कॉट बी थोड़ा छोटा लिखता हूं कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए यहां पे ए लिखा हूं ओके इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन ओके तो ये हमारा ये क्वेश्चन है इन अ ट्रंगल ए बी सी यू हैव टू प्रूव डैट कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी सी इज इक्वल टू कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू वन ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए फिर आ, हम हम बनाते जाएंगे और आप समझते भी जाइएगा और आप अपने नोटबुक पे लिखते भी जाइएगा सो so होप आप लोग लिख लिए होंगे क्वेश्चन इज कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू वन सो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए कि माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली मेरी आवाज आ रही है अच्छे से यस yes, ओके okay. सो so, ये क्वेश्चन है मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन फिलहाल अभी डिस्कस करूंगा इस टॉपिक पे अगर टाइम मिलेगा तो एक क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का ले लेंगे फिर आपका ये टॉपिक आज का लगभग एंड हो गया और आ, अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अगले क्लास का सेशन नाइन्टी मिनट का होगा और उसमें हम क्वेश्चन इस टॉपिक पे मिक्सड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नए टॉपिक डिटर्मिनाट इसके बाद है या स्ट्रेट लाइन हम स्टार्ट करेंगे सो यू नो डेट इन अ ट्रेंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाए यहां तक सभी लोग समझ गए होंगे तो हम क्या करते हैं कि एक को किसी को आर एच एस में भेज देते हैं सो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाए माइनस सी ओके मैंने क्या किया सी को उस साइड हमने वहां पे दे दिया so, A plus B equal to pi minus C. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस क्या है Caut के फॉर्म में है Caut के फॉर्म में, तो कॉट का रिसीप्रोकल क्या होता है कॉर्ट का रिसी प्रोकल क्या होता है टेन कॉट का रिसीप्रोकल क्या होता है टेन ओके okay? तो हम यहाँ पे ये बुद्धि लगाएंगे कि टेन के फॉर्म में ये हमारा इक्वेशन कैसे आए क्योंकि टेन के फॉर्म में आ जाए क्योंकि कॉट का तो आपको कोई भी फॉर्मूला मैंने अभी तक बताया नहीं है मिन्स A B या या हमने जितने भी थ्योरम्स फॉर्मूले पढ़े हैं वो सिर्फ कॉस एंड टेन के बारे में पढ़े हैं बाकी सेक एंड कॉट के बारे में डायरेक्ट हमने कोई फॉर्मूलाज अभी तक चैप्टर थ्री में नहीं देखा है सो यहाँ पे हम क्या करेंगे आ, ये ये क्वेश्चन क्या था कॉट के फॉर्म में और कॉट का क्या रेसिपिकल होता है टेन ओके okay? तो टेन का फॉर्मूला आपने पढ़े हैं टेन का थ्योरम सारे पॉइंट्स में हमें मिले हैं तो यहाँ पे हमने जैसे पिछले जो डेरिवेशन हमने किया था उसमें हमने साइन लगा दिया था दोनों तरफ कॉस लगा दिया था इसी तरह यहाँ पे हम दोनों साइड एल एच एस एंड आर एच एस में हम टेन लगा देंगे ओके okay? दोनों तरफ टेन लगा देंगे सो so, सो so, क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन पा माइनस सी ओके मींस दोनों तरफ आपने क्या लगाया टेन से मल्टीप्लाई किया ओके एल एच एस एन आर एच एस में तो हमारा ये इक्वेशन आ गया टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन सी तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला किसी को याद है क्या अगर किसी को याद है तो आप माइक ऑन करके प्लीज फॉर्मूला बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन ए प्लस बी सर टेन ए प्लस बीक्वल्स टू तो टेन ए बाई वन माइनस टेन बी tan 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 a plus b to, again, 10, 10 a plus b equals to हाँ? a a b b upon 1 minus a into b okay, good. Uh, so, a plus b again तो गुड सो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला Means कुछ ऐसा ये आपका रिजल्ट आता है अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी ओके ये हमने अभी आपको इस जब क्लास स्टार्ट किया था उस समय भी ये फॉर्मूलाज मैंने डिक्टेट uh, किया था सो so, uh, यहाँ पे टेन ए प्लस बी यहाँ पे है तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे इसे हम जो फॉर्मूलाज अभी बताया गया था उसके बेसिस पे हम एक्सपेंड करेंगे सो टेन ए प्लस बीज इक्वल टू क्या होता है टेन ए प्लस बी संकल्प आपने सीधे आपने शायद टेन ए प्लस बी बोला था बट आपको टेन ए प्लस टेन बी बोलना चाहिए था या आप सही भी बोले होंगे मैं ही गलत होऊंगा तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी ये क्या हो गया इस फॉर्मूला का एक्सपेंशन है और यहाँ पे ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ था ये उसका यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है टेन पाई माइनस सी

ये कॉट सी दो आंसर्स आए हैं कॉट सी सो आपका आंसर क्या है गलत है यहां पे क्या है टेन पाए माइनस सी है मैं आपको फिर से बताता हूं क्या है यहाँ पे टेन पाए माइनस थीटा तो अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले भी बताया था कि जब पाए होगा यहाँ पे पाए तो ये टेन यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे टेन आएगा ओके सिर्फ आपको यहाँ पे क्या देखने हैं आपको यहाँ पे साइन को कंसीडर करना है वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव ओके एंड इट इज द क्वाड्रेंट दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट this is third quadrant and this one is fourth quadrant so टेन pi minus theta so ये जीरो डिग्री से सबसे पहले आप कहाँ पे आए पाए डिग्री पे आ गए ओके एंड अब आपको बोल रहा है कि माइनस थीटाप वापस जाओ माइनस थीटाप वापस जाओ सो माइनस ठीटाप वापस गए तो आप कुछ इतना दूर तक आए ओके okay. सो so, ये आपका कुछ ये हमारा एंगल हुआ So ये कहां पे लाई कर रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाइक कर रही है एंड यू नो दिन इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट ओनली साइन पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एंड टेन इज नेगेटिव सो टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टेन

क्या हो जाएगा कॉट में चेंज हो जाएगा ओके okay. उसके बाद आपको साइन भी देखने हैं बट यहाँ पे ये पाई का केस है तो आप ये याद रखिए हमेशा के लिए कि पाई पे क्या होता है नो चेंज ओके पाई पे क्या होता है नो चेंज मीन्स इस पे और इस पे चेंजेस नहीं होते हैं और ये पे और इस पे इस दोनों पे चेंजेस होते हैं सो so, ये काफी uh, और इम्पोर्टेंट चीज है सो so, होप आप लोग अब समझ गए होंगे, यस कैन थीटा इज़ इन क्वाड्रेंट, थीटा कैन बी यस सो यूजली यहाँ पे जो ये ये जो थीटा यहाँ पे है वो थीटा जीरो से नाइंटी डिग्री के बीच में लाइक करता है ओके okay? सो so, अगर uh, एक मिनट यस सॉरी आ हाँ थीटा क्या है थीटा जीरो डिग्री से नाइन्टी डिग्री के बीच में लाइक करती है ओके सो so, आ, जैसे एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लाजमी क्वेश्चन हैं कि अगर थीटा मीन्स अगर आ, बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ओके तो आ, यहाँ पे क्या है थीटा क्या है जीरो टू नाइन्टी डिग्री के बीच का ये एंगल है ये हमने जब एलाइड एंगल में देखा था तो ये एलाइड एंगल का सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड था सो so, आप माइक कौन करके भी पूछ सकते थे आपको वो टाइप करने पर सो so, हाँ सो टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा ये यहाँ पे क्या होगा माइनस टेन टेन सी सो So, uh, ये सभी लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे टेन ए टेन ए प्लस बी को आपने रेड्यूस किया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू माइनस टेन सी हम प्रूफ कर रहे हैं कॉटे इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉटे इज इक्वल टू वन तो हमने सबसे पहले क्या किया ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू पाए एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू पाए माइनस सी एंड अप्लाइंग बोथ साइड टेन मीन्स टेन से दोनों साथ दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई किया टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन पाए माइनस सी एंड इफ यू एक्सपेंड टेन ए प्लस बी देन इट बिकम टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू टेन पाई माइनस इज इक्वल टू माइनस टेन सी इसके बाद अभी आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं आप अपने नोटबुक में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मैं भी कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्लाइड में सो आई होप यहां तक आप लोग uh, लिख भी लिए होंगे सो so, uh, So, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर ये माइनस टेन सी से ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so, एल में क्या बचेगा टेन ए प्लस टेन बी सो यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी बचेगा और आरएसएस में क्या है माइनस टेन सी पहले से है माइनस टेन सी क्या पहले से है और डेनोमिनेटर में क्या है वन माइनस टेन ए इंटू टी आर एस एस में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टेन सी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी ओके ये कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस टेन सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो माइनस टेन सी इंटू वन इज इक्वल टू माइनस टेन सी माइनस टेन सी एंड ये और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस एंड टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी तो यहाँ पे टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी ओके तो अब हमारे पास क्या आ गया टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू माइनस टेन सी प्लस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन सी सो हम दूसरा आगे प्रोसीड करते हैं सो so ये माइनस टेन सी क्या आ जाएगा ये एल एच एस में आ जाएगा ओके okay. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा ये यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी के साथ आ जाएगा सो टेन ए प्लस टेन बी एक मिनट टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास आ रहे थे इसमें टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस का ये आधा पार्ट है बट ये जो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट आया है ये भी एक तरह से आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ओके ये अभी क्वेश्चंस आपका पूरा नहीं हुआ है ये आप याद ही रख सकते हैं और ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह का ए बी सी प्रूव डेट टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन एंटू टेन बी इंटू टेन सी ओके बट हमें अभी और आगे जाना है और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू वन तो ये क्या है अभी टेन के फॉर्म में है ये अभी क्या है टेन के फॉर्म में है तो टेन को कॉट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें टेन को हाँ इफ थीटा इज लेस देन नाइनटी डिग्री देन टेन इज पॉजिटिव यस हाँ अपॉन मैं क्या पूछ हाँ वन बाय वेरी गुड क्या कर दिया जाता है रिवर्स करके So, uh, हाँ थीटा अगर यहाँ पे 90 डिग्री से लेस या ज्यादा ये यह यहाँ पे मायने आपको नहीं रखता है आपको सीधे ये फाइंड uh, करने हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है ओके okay? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ और इसके अकॉर्डिंग थीटा आपका जहाँ पे जाएगा तो आप वहां पे प्लस माइनस जो भी होगा वो आप वहाँ पे कंसीडर करिएगा सो इन्होंने बताया कि टेन को cot में चेंज करने के लिए रिवर्स कर दिया जाता है ओके सो टेन ए को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट ए सो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सीवल सी आप अपने नोटबुक पे भी लिख लीजिए ताकि हम नए नेक्स्ट स्लाइड पे हम प्रोसीड करें टेन ए प्लस टेन बी इंटू प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इन बी इंटू टेन सी सो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ हमारे पास इट फिफ्टी फाइव नाउ सो हम क्या करेंगे टेन को कॉट में चेंज करेंगे तो टेन ए प्लस टेन बी टेन सी था तो टेन ए को अगर आप चेंज करिएगा तो कॉट ए हो जाएगाट बी प्लस वन अपॉन कॉट सी इज इक्वल टू आर एस एस में क्या था टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी सो वन अपॉन कॉट ए इंटू वन अपॉन कॉट बी इंटू वन अपॉन कॉट सी ओके ये क्या किया आपने टेन को कॉट में आपने रिवर्स किया अब हम क्या करेंगे अब ये एल एच एस में क्या है एल एच एस में इस, इसका हम क्या करेंगे अब हम एल सी एम लेंगे इसका हम एल सी एम लेंगे ओके तो मैं नए स्लाइड पे चलता हूं सो so, यहाँ पे एल्सियम क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी यहाँ पे एल्सियम हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी ये क्या हो जाएगा एल्सियम हो जाएगा और ऊपर में यहाँ पे वन है तो और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे पहले वाले में कॉट बी इंटू कॉट सी होगा कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस इसी तरह ये साइक्लिक चला जाएगा कॉट सी इंटू कॉट ए कॉट सी इंटू कॉट ए प्लस कॉट सी ए एन कॉट बी सी सी ए ए बी हाँ कॉट ए इंटू कॉट बी कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू ये क्या था वन अपॉन ये क्या वन अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी वन अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी सो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये न्यूमरेटर एंड ये क्या हो जाएगा कट कैंसल आउट हो जाएगा ये यहाँ पे ये वाला साइन है सो so, हमने क्या किया ये ये वाले पार्ट का एलसीएम लिया तो एलसीएम लिया तो ये वाला पार्ट आया आप अपने नोटबुक पे भी एल लेके देख सकते हैं और नीचे में डिनोमिनेटर क्या आया कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी इन टू कॉट सी तो ये और ये दोनों पार्ट कैंसल हो गया तो हमारा पास फाइनल रिजल्ट वही बचा जो आपका आंसर है कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन हैं ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि ट्रिगोनोमेटिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रेंगल्स पे बेस्ड था ये क्वेश्चन होप आप समझ पाए होंगे हमारे पास दो मिनट का लगभग एक मिनट का टाइम है मैं ब्रीफ में फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने एक ट्रैंगल लिया ए बी सी ए बी सी इज इक्वल टू पाए प्लस बी इज इक्वल टू पाए माइनस सी अपलाइंग टेन ए प्लस बी यू गेट टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू बी टेन ए एंटू टेन बी इज इक्वल टू टेन पाए माइनस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा टेन पाए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टेन सी

टेन ए प्लस टेन बी जो कि एल एच एस साइड में है वहां पे आप डाल दिए तो आपको एक रिजल्ट आया रिजल्ट इज बी इंटू टेन सी ये आपका रिजल्ट का मिडल का पार्ट है बट ये भी एक आपको आ, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसके बाद आपने ये वाले रिजल्ट को आपने क्या किया इन्वर्स कर दिया कॉट के फॉर्म में क्योंकि आपको एंसर्स लाने हैं कॉट के फॉर्म में तो ये कॉट के फॉर्म में आपने इसे इन्वर्स कर दिया एंड आपने ये रिजल्ट पाया और फिर हमने सिंपली uh, एल uh, लेने के बाद ऐसा हमारा इक्वेशन आया फिर निमरेटर एंड न्यूमरेटर दोनों साइड के एल एच एस के कैंसल आउट हो गए देन फाइनली वी गेट द रिजल्ट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू ए इज इक्वल टू वन सो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सो आज का क्लास आपका यहीं पे एंड होता है तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे ट्रियोमेट्रिक ये चैप्टर नंबर थ्री के आपके जितने भी uh, थ्योरीज हैं वो आपके हो गए हैं तो अगले क्लास uh, कोशिश करूंगा मैं वन पॉइंट फाइव आवर फाइव आवर का होने का और उसमें हम uh, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस आपके बुक के काफ़ी अच्छे हैं और सारे कॉन्सेप्ट uh, क्वेश्चन हम चार पांच क्वेश्चन करेंगे हमें अगर टाइम मिलेगा then, uh, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्रोसीड करेंगे ओके okay? सो so, uh, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन uh, होंगे uh, पूरे चैप्टर्स में या तो गूगल क्लासरो में आप कमेंट कर दीजिएगा कि uh, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हमें समझना है या uh, ये एग्जाम्पल्स का ये क्वेश्चन अगर अच्छा क्वेश्चन होगा या कॉन्सेप्ट uh, तो वाला क्वेश्चंस होगा तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो सो uh, so, uh, आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं अब आप लोग लेफ्ट uh, कर सकते हैं होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा सो बाय गुड नाइट नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन